तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मदर्स डे पर दुनिया का सबसे आसान केक की रेसिपी, जो कि मिनटों में आपको झटपट तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी। बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी। तो आइए देखते हैं ये केक कैसे तैयार होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पैन में 2 चम्मच भर कर देसी घी देना है। गैस को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे और जब अच्छी तरह से घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें लेंगे 1 कटोरी मीडियम साइज़ की सूजी, या जिसे आप रवा भी कहते हैं, सेमोलिना भी कहते हैं। इसको हम देसी घी में ले लेंगे और धीमी आंच पर ही इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये आपको लगातार चलाते जाना है, क्योंकि यदि आप छोड़ देते हैं तो सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। तो जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे, धीरे धीरे इसकी भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि ये थोड़ा ब्राउन कलर में हो रही है, तब हम इसे भूनना बंद कर देंगे और फिर आगे के इसमें सामग्री को ऐड करेंगे। तो देखिए, हमारी सूजी लगभग भुनना शुरू हो गई है और ये अब भूनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर। यदि आपके पास इलायची पाउडर नहीं है, दाने हैं, तो उसके लिए भी एक आइडिया है कि आप 1 चम्मच शुगर लीजिए, साथ में इलायची दाने को लेकर पीस लीजिए। ये शुगर में आपका इलायची पाउडर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऐड करना हो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू लिया है और बादाम, इसको छोटा पीस कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो पानी की क्वांटिटी आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप केक बनाएंगे। और यहाँ पर जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी ही मैंने यहाँ पर शक्कर ली है, शुगर ली, मतलब 1 कटोरी सूजी थी तो 1 कटोरी हमने शक्कर ली है। अब इसको हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हर्षे चॉकलेट सिरप को ऐड कर देंगे, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है और क्योंकि ये केक है तो इसमें हम कुछ और तो ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें चॉकलेट सिरप को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मेल्ट करके चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। और इसे लगातार चलाते जाएंगे, चलाते चलाते धीरे धीरे इसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अब इसका पानी लगभग पूरा सूजी ने सोख लिया है और जो हमारा मिक्स है वो तैयार हो गया है। ऐसे आपको पता चलेगा जब आप चलाते चलाते या पूरा पानी सूख जाएगा और आप चलाएंगे तो जो ये हलवा या मिक्स बना है ये पैन को छोड़ना शुरू कर देता है, मतलब आपका केक का मिक्स तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जिस स्पॉट में आपको, टिन में आपको केक बनाना है, उसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद जो हमने बैटर बनाया है, मिक्स बनाया है, उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये केक वाकई बहुत आसान है और इसे अनुपमा स्पेशल केक भी कहते हैं। तो आप भी एक बार बनाइए फटाफट और अपनी मदर के लिए मदर्स डे का गिफ्ट दीजिए कि आपने केक बनाया है। और देखिए, इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया और ये आसान सा केक बच्चे भी बना सकते हैं। मम्मी तो बहुत अच्छे केक बनाती ही हैं, पर बच्चे अगर चाहे तो सरप्राइज़ में ये केक बना सकते हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से आप चम्मच की हेल्प से या आपके पास जो भी स्पैचुला हो या कुछ भी हो उसे आप सेट कर दीजिए। ये तैयार हो गया, इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और पलट देंगे। तो ये पलटने के बाद देखिए, पूरा केक हमारा तैयार हो गया है। आप इसे सूजी का हलवा या सूजी हलवा केक भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिससे हम अदरक को ग्राइंड करते हैं उसमें हम चॉकलेट को लेकर थोड़ा सा ग्राइंड कर देंगे और इसके साइड में जो हमारा चॉकलेट सिरप है उसको पूरा स्प्रेड कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है जैम। जैम से इसमें डेकोरेशन करेंगे और इसमें हम मदर या माँ लिख देंगे। आपका मदर्स डे का केक तैयार है।